अपने अभिरस ब्रेन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में मेरी कुछ राय आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इससे बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। तो कृपा करके अपने हैंड सैनिटाइज कीजिए, मास्क का प्रॉपर यूज़ कीजिए और बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन सिस्टम पर बहुत गहरा असर हुआ है और इससे उभरने के लिए हमें कम से कम 1 से 2 साल तो ज़रूर लगेंगे। और आज जो ये ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए। हाँ, पेरेंट्स तो बिल्कुल भी खुश नहीं है इससे, ना तो टीचर खुश है। हाँ, पर बच्चे बहुत खुश है इस एजुकेशन से। वैसे हर बच्चा तो स्कूल ना जाने का हर मुमकिन से मुमकिन वो सारी बहाने बनाता है जिसकी वजह से वो स्कूल ना जा सके। तो इतनी बड़ी वजह मिली है उन्हें स्कूल ना जाने के लिए, तो बट ऑब्वियसली बच्चे बहुत खुश है इससे और वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। पर क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए सच में अच्छा है? मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं वो नई चीज़ सीखने के लिए। तो स्कूल में तो हमें हर रोज़ हर दिन नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर भी बच्चे इतना हेट क्यों करते हैं उस सारी नई चीज़ों को सीखने के लिए? मैं ऐसा नहीं मानती कि सिर्फ बच्चे, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी आई जस्ट डिड एवरी पॉसिबल वे टू नॉट गो देयर। मुझे नहीं अच्छा लगता था स्कूल जाना। तो इसके पीछे क्या वजह है, वो ऐसे क्या रीज़न्स है कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं या फिर उन्हें स्कूल जाना ही पसंद नहीं है? वो हर रोज़ नए नए बहाने करते हैं स्कूल ना जाने के। इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, उसे अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी ग्रेड मिले, पर हर बच्चे को ये मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, अब जो बच्चा फर्स्ट आता है, अच्छी ग्रेड से पास होता है, उसे तो हर एक से शाबाशी मिलती है पेरेंट्स से, टीचर से। पर जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाता, उसे अच्छी ग्रेड नहीं मिलती, उस बच्चे को सिर्फ डांट ही डांट मिलती है। तो वो बच्चा स्कूल जाने से डरता है, हेट करता है, उसे पसंद नहीं आता, वो हर एक बहाना करता है स्कूल ना जाने का। अब हर किसी को सेम मार्क्स क्यों नहीं मिलते, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब आप कहेंगे कि हर बच्चे का IQ लेवल अलग होता है, इसके लिए हर एक को अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। पर हमारी उम्र और हमारे नॉलेज के साथ हमारा IQ लेवल बढ़ता है। अभी मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे भी सेम एज ग्रुप के होते हैं, यानी कि स्टूडेंट भी सेम होते हैं, सबको पढ़ाने वाली टीचर भी सेम होती है, सबको सिलेबस भी सेम होता है और सबको टाइमिंग भी इक्वल दिया जाता है। फिर भी उसी क्लास का एक बच्चा ए ग्रेड पे होता है, कोई बी पे तो कोई सी पे, ऐसा क्यों रहता है? इसके पीछे का जो रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न जो शायद आपने अब तक ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, वो ये है कि हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। हाँ, लर्निंग स्टाइल 3 टाइप की होती है, एक ऑडिटरी, एक विजुअल और थर्ड आती है वो है काइनेस्थेटिक। अब जो ऑडिटरी बच्चा है ना, वो सिर्फ सुन के सब कुछ समझ लेता है। जो विजुअल है उसे ई लर्निंग द्वारा पढ़ाया जा सकता है, या फिर जो चीज़ें वो देखता है वो अच्छे से समझ लेता है। और जो काइनेस्थेटिक है उस बच्चों को प्रैक्टिकली ही पढ़ाना पड़ता है, यानी हर चीज़ करके दिखानी पड़ती है। पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इन तीनों टाइप से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। अब देखिए, जो बच्चे ऑडिटरी हैं वो टीचर जो बोलती है ना वो अच्छे से समझ पा सकता है, क्योंकि सिर्फ सुनकर वो तो 80% स्टडी तो उसका क्लास में ही हो जाता है, बाकी का बच्चा कुचा तो वो घर पे भी कर सकता है। तो जो सुनता है सुन के सिर्फ समझ लेता है, ऐसे बच्चे फर्स्ट आते हैं। अब जो बच्चे विजुअल है, यानी कि सिर्फ देखकर समझ सकते हैं, तो जब वो कुछ पढ़ते हैं तो गाइड से, पुस्तक से, या फिर ई लर्निंग पे जब वो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे 50% पूरा स्टडी समझ लेते हैं। अब जो बच्चे काइनेस्थेटिक हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ प्रैक्टिकली ही पढ़ाना पड़ता है,
अभी मान लीजिए आपको साइंस पढ़ाना है, तो आपको पौधे के बारे में बताना है अपने, तो उसके लिए आपको एक पौधा क्लास में लेके आना पड़ेगा और फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि ये इसके पत्ते हैं, इसके टहनियाँ हैं, ये फ्लावर्स है, तभी वो समझ पाएंगे कि ऐसा पेड़ होता है और वो इसके सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं। तो हमारे क्लास में प्रैक्टिकली बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, और जो प्रैक्टिकली लर्नर्स है यानी कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स है, वो बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इस लर्निंग टाइप से तो टीचर पढ़ाती ही नहीं है, इसलिए वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर पेरेंट्स को, एवरी पेरेंट्स शुड नो कि मेरे बच्चे की लर्निंग स्टाइल कौन सी है, क्योंकि अगर आपको आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल पता होगी ना, तो आप उसका स्टडी अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि स्कूल में मुमकिन नहीं है इन तीनों तरीके से सिखाना, पर आप घर पे तो उसका स्टडी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा प्रैक्टिकली पढ़ सकता है ना, तो आप तमाम कोशिशें करिए उसके लिए, अलग अलग से क्लास ज्वाइन कीजिए, एक्स्ट्रा फीस दीजिए, पर उसका तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाते तब तक वो नहीं समझ पाएगा, वो चीज़ों को रियलाइज अंडरस्टैंड ही नहीं कर। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि जितने भी अभी पेरेंट्स, जो भी कोई मुझे देख रहा होगा, तो 100% श्योर कि आपको आपको बच्चे की लर्निंग स्टाइल नहीं पता होगी, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल पता ही होनी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बच्चे की लर्निंग स्टाइल कौन सी है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे रीजंस होते हैं बच्चे पीछे रहने का, उसमें से एक तो मैंने आपके साथ शेयर की, और एक दूसरी वजह है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, और वो है कि हर एक स्कूल में दिन में कम से कम 7 से 8 पीरियड्स होते हैं, और वो सारे पीरियड्स हर आधे घंटे में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा। अब मान लीजिए कोई बच्चा इस पर अगर कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, तो आधे घंटे के बाद वो लेक्चर चेंज होता है, यानी कि कोई आता है, एक बेल बजा देता है, और आपको कहा जाता है कि अभी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अब आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश ही करते हो, फिर आधे घंटे के बाद कोई आएगा, बेल बजाएगा, फिर टीचर चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, और आपको कहा जाएगा अभी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। फिर से वही, जब तक आप हिंदी को समझ पाए, क्योंकि 10 मिनट तो सिर्फ उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड समझने के लिए ही जाते हैं, तो बाकी बच्चे सब समय में आप क्या करेंगे, क्योंकि हर आधे घंटे में तो हर सब्जेक्ट चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको कहूँगी कि आपको एक थिएटर में बैठना है, बेसिकली मूवी तो 3 आवर्स की होती है, और मैं कहूँगी कि हर आधे घंटे में आपकी मूवी चेंज होगी, यानी कि इस पल मैं आपको कहूँगी कि अभी आपको गजनी देखनी है, अभी आधे घंटे के बाद कोई आएगा, फिर एक रिंग बजाएगा और मूवी चेंज कर देगा, उसके बाद आपको 3 डेज देखनी पड़ेगी, फिर आधे घंटे के बाद कोई आएगा, बेल बजाएगा, मूवी चेंज होगी, अभी आपको सरपरोश देखनी पड़ेगी, हर आधे घंटे के बाद यही दोहराया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आप उस मूवी का क्या मीनिंग लगा पाएंगे, कैसे क्या कनेक्शन कर देंगे आप। जैसे आप 3 घंटे की मूवी आधे घंटे में नहीं समझ पाते, सेम वैसा ही होता है स्कूल में, हर आधे घंटे के बाद पीरियड्स चेंज हो जाते हैं, पर हर आधा घंटा इनफ नहीं होता है उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखनी है तो बच्चों को पहले उसे अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, और ये इनफ टाइम नहीं है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। ऐसे कई सारे रीजंस हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी मेरे आने वाले अपकमिंग सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।